हम लोग यहाँ सारे लोग प्रदर्शन में आए हैं जिसको वाम दलों ने बुलाया है, लेकिन बहुत सारे और ग्रुप्स भी हैं, सारे लोग हैं, और हम यहाँ कहने आए हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं जिनको आज कैद कर दिया गया है और उनकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है, लेकिन हम उनको सुनना चाहते हैं और हम उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। दूसरा, हम धारा 370 को वापस लाओ ये कह रहे हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि भारत के संविधान के बचाव में हम आज खड़े हैं। अब बहुत सारे लोग जो यहाँ सवाल कर रहे हैं हम लोगों से, पत्रकार लोग, उसका जवाब यहाँ के जरिए हम लोग देना चाहते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि अब क्या करें, थोड़ा सा लोकतांत्रिक, अब संविधान, लोकतंत्र, ये सब क्या देखना, समस्या का हल होना चाहिए और कश्मीरी लोगों को शांति मिलनी चाहिए। देखिए, समाधान का ये कहीं से हल नहीं है, क्योंकि पहले समस्या क्या है समझेंगे तब समाधान की तरफ जाएंगे। समस्या ये है कि भारत का जब विभाजन हुआ था 1947 में, तो बहुत सारे जो बॉर्डर के हिस्से थे, जो मुस्लिम बहुल हिस्से थे, वो पाकिस्तान के साथ गए, दिए गए, और कश्मीर उसमें अपवाद था। क्यों? क्योंकि कश्मीरी लोग जो मुस्लिम बहुल थे, वो अपनी कश्मीरियत को लेकर के, उनके लिए कश्मीरी आइडेंटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं। इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारी कश्मीरियत शायद एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक फेडरल इंडिया में ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, बशर्ते एक थियोक्रेटिक पाकिस्तान में। लेकिन उसका वो शर्त चाहते थे, उन्होंने कहा कि ये सुरक्षित रहेगा, उसकी सुरक्षा का कोई प्रावधान हो, और इस पर धारा 370 बनाया गया, जिस पर सभी लोग सहमत थे, सारे लोग, सरदार पटेल, तमाम लोग, धारा 370 बना। इसी तरह से नागालैंड को लेकर के भी सिमिलर प्रोविजंस हैं, इस तरह से लेकर के अरुणाचल, असम, अंडमान निकोबार, शेड्यूल्ड एरियाज़ देश के, बहुत सारी जगह अलग अलग स्पेशल प्रोविजंस हैं जो रिकग्नाइज़ करती हैं कि उन खास इलाकों के या खास राज्यों के, खास जगहों के अपने स्पेशल आइडेंटिटीज़ हैं जिसको सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे आदिवासी आइडेंटिटी है, इसलिए उसमें छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए स्पेशल पेसा प्रोविज़न है आपका, ठीक है। तो आज अगर धारा 370 को इन्होंने रातों रात ख़त्म कर दिया है, तो सोचिए कि कल ये जो बाकी स्पेशल प्रावधान है, ये सब खत्म हो सकते हैं। एक उदाहरण लीजिए कि जिस तरह से धारा 370 कश्मीरी लोगों के लिए एक स्पेशल जगह रखता है, ठीक उसी तरह से एक स्पेशल प्रोटेक्शन है SC ST के लिए आरक्षण दलित आदिवासी लोगों के लिए, जिससे संघ परिवार की पुरानी दुश्मनी है, हम सब जानते हैं, बीच बीच में कहते रहते हैं ये लोग। तो जिस तरह से उन्होंने धारा 370 ख़त्म किया, ठीक उसी तरह से वो कल को SC ST आरक्षण ख़त्म कर दे सकते हैं। और जिनको लग रहा है कि ये मजाक है, ये कहाँ करेंगे, क्या आपको कभी लगा था कि जम्मू कश्मीर नाम का राज्य ही नहीं रहेगा देश में? आज है। तो इसीलिए महिलाओं के अधिकार बराबरी के खिलाफ गोलवालकर लिखे, कल को ये महिलाओं के अधिकार बराबरी ख़त्म कर देंगे। हम ये समझें कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में पहला कदम लिया है इस सरकार ने, तानाशाही हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तानाशाही जम्मू कश्मीर वालों के लिए रहेगा, वहाँ इमरजेंसी रहेगी और हम सारे लोग आज़ाद रहेंगे और फ्री रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर वहाँ इमरजेंसी लगेगी, यहाँ भी इमरजेंसी लगेगी। और जो लोग कह रहे हैं कि अरे पीस प्रॉस्पेरिटी के लिए, विकास के लिए ज़रूरी है, मैं पहले बता दूं कि सारे राज्यों में जम्मू कश्मीर शायद बिहार या हरियाणा या देश के कई राज्यों से कहीं ज़्यादा विकसित है, वहाँ ज़्यादा अच्छी शिक्षा है, वहाँ विकास पर्याप्त, विकास की कोई कमी नहीं है वहाँ पर। किस चीज़ की कमी है? तो लोकतंत्र की कमी है, ठीक है, जहाँ लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है, खुल करके बिना भय के जीने का अधिकार नहीं है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा हम लोगों को। और इसलिए अब थोड़ा सा अब सोचिए कि जिस समय इमरजेंसी लगाया था इंदिरा गांधी ने, तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों ने कहा था कि ट्रेनें सर टाइम पर चल रही, क्या किसी ने इस पर यकीन किया कि ट्रेन टाइम पर चले इसलिए इमरजेंसी ठीक है, हमारे सारे अधिकार ले लो, हमारे नेताओं को जेल में डाल दो? अगर ये ठीक नहीं है हम लोगों के लिए जो बाकी पूरे देश में हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कहाँ से ठीक हो गया भाई? इसमें मैं एक और उदाहरण देना चाहती हूँ जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा। सोशल मीडिया पर बहुत सारे यंग लोग जो लड़के हैं और RSS के समर्थक हैं या सरकार के इस कदम को कह रहे हैं बहुत अच्छा हो गया, वो सब कह रहे हैं दो बातें। कहते हैं एक तो हम लोग कश्मीर में अभी ज़मीन खरीदेंगे और दूसरी चीज़ कश्मीरी लड़की से शादी करेंगे। पर कश्मीरी लड़की से पूछे हो कि वो तुमसे शादी करेगी, करना चाहती है, उसकी सहमति नाम की कोई चीज़ है? या तुम समझ रहे हो कि कश्मीर पर कब्जा करो, कश्मीर वो लैंड है, वहाँ के लोग तो है नहीं, कश्मीर के लैंड पे भी कब्जा कर लो और कश्मीर की लड़कियों पे भी कब्जा कर लो? ये आपकी मानसिकता को दिखा रहा है, महिलाओं के प्रति भी, कश्मीरियों के प्रति भी, और ये इन दोनों में एक लिंक है, एक रिश्ता है। तो अगर लोकतांत्रिक अधिकार हैं उसमें सहमति ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के लोगों के बिना सहमति के, उनके बिना राय लिए, उनके बिना अपने लोकतांत्रिक आवाज़ के, उनके बारे में निर्णय नहीं लिए जाने चाहिए। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो जम्मू कश्मीर के लिए भी लागू है, तमिलनाडु के लिए भी लागू है। कल को वो कह देंगे कि तमिलनाडु हिंदी नहीं मान रहा अपने लैंग्वेज के रूप में, तो तमिलनाडु का नाम बदल करके हम हिंदी नाड कर देंगे, तो क्या ठीक रहेगा? ऑब्वियसली ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हम सबको इस सवाल पर बोलना है, जम्मू कश्मीर के लिए भी बोलना है और हम सबके संवैधानिक अधिकारों के लिए भी बोलना है।